प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिवाळी पहला वाराणसी ने आपसे करोड़ों की भेट। बनारस विकास ने वेग आपवा आजे पीएम मोदी वाराणसी की मुलाकाते छे। वाराणसी की लगभग दोढ़ कलाक की आ मुलाकात दरमियान 5190 करोड़ 28 विकास प्रोजेक्ट जनता ने समर्पित करी रहा छे। आ दरमियान देश की आरोग्य सुविधाओं ने मजबूत करने प्रधानमंत्री 65000 करोड़ रूपया की आत्मनिर्भर तंदुरस्त भारत योजना पण शुरू करावशे। अने हाल यूपीना सिद्धार्थनगर खाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहुंची चुक्या छे अने कार्यक्रम चाली रह्यो छे। तो हाल यूपीना सिद्धार्थनगर में जो कार्यक्रम चाली रह्यो छे तेमां यूपीना सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करी रह्या छे। सांभळो। पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक एवं रसायन मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री सतीश चंद द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्याम धनी राय जी, चौधरी अमर सिंह जी, एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस सदी की इस महामारी के सामने असहाय दिख रही हैं, उस समय उन विपरीत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देश को अपने नेतृत्व क्षमता से पूरी दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न केवल कोरोना महामारी से बचाने, भारत के जीवन और जीविका को दुनिया के सामने एक आदर्श स्थिति में रखवाने और पहली बार किसी महामारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं दो दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके 100 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत इस सिद्धार्थनगर की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा क्या होती है आजादी के पहले तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आजादी के बाद भी जो अपेक्षा हुई,
जिस स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहां का मासूम और यहां का नागरिक और समय दम तोड़ता था, पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। और आज जब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्वयं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हुई है, 8 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने का अवसर उन सभी लोगों को प्राप्त होगा, तो सही मायने में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में आजादी के बाद जिन लोगों ने उस समय दम तोड़ा था उनके प्रति तो श्रद्धांजलि होगी ही, साथ साथ उन लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। भाइयों बहनों, लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू काश्मीर मुलाकात नो आज त्रीजो दिवस छे। अमित शाहे गांधरबल जिला स्थित माता खीर भवानी ना मंदिरे दर्शन करी आरती उतारी। अमित शाहे मंदिर में पूजा पण करी हती। गांधरबल में आवेलो खीर भवानी मंदिर खूब ज प्रचलित छे, ज्यां तेओए पूजा अर्चना करी हती। बपोर बाद अमित शाह प्रवासन क्षेत्र ना लोकोने मळशे अने त्यांना लोकोने संबोधन पण करशे। अमित शाह आजे पुलवामानी पण मुलाकात लई शके छे। पुलवामामा अमित शाह सैनिकोना स्मारक पर श्रद्धांजलि आपशे अने त्यारबाद श्रीनगर परत फरशे। आ पहेला गईकाल रविवारे 24 ऑक्टोबरना रोज पोतानी मुलाकातना बीजा दिवसे गृहमंत्री अमित शाह जम्मूना मकवाल बॉर्डर पर पहोंच्या हता, ज्यां तेओ बीएसएफ जवानों साथे पण मुलाकात करी हती।